This call is now being recorded. विभूति पाद का प्रारंभ करने जा रहे हैं आज हम लोग। देखिए इसमें क्या बताया क्या गया है, देखिए सुनिए। पहले पाद में जो हमने पढ़ा था वो सभी को याद होना होना चाहिए। योग के समाधि क्या है, बेसिकली समाधि बताई थी, चित्त की वृत्तियां वगैरह वगैरह। दूसरे पाद में क्या पढ़ा, योगांगों का वर्णन किया, यम नियम आसन, पांच बहिरंग, ठीक है, और उनका फल सहित वर्णन किया, किसमें, साधन पाद में। अब जो बचे तीन, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीन अंतरंग साधनों का वर्णन इस पाद में किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येय में पूर्णतः किए जाते हैं तब इनका नाम संयम हो जाता है, ठीक है। संयम से बहुत बहुत सारी तरह की समाधि है, वो विभूतियां मिलती हैं। तो विभूति बेसिकली किससे मिल रही है, तीन तीन चीजें यदि हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों को यदि किसी ने सिद्ध कर लिया। धारणा ध्यान एक तरह से अंगी होते हैं, ठीक है, समाधि जो है वो अंगी है, धारणा ध्यान उसके अंग होते हैं, ठीक है, समझाएंगे इसको आगे। क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येय में पूर्णतः किए जाते हैं तब इनका नाम संयम हो जाता है। योग की विभूतियां प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, संयम की। और संयम कैसे मिलेगा, धारणा ध्यान समाधि से। इन अंतरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में ना करके विभूति पाद में करते हुए पहले धारणा का स्वरूप बदलाते। अब आइए देखते हैं कि धारणा क्या होती है। देशबंध चित्तस्य धारणा, यह सूत्र सभी को याद होना चाहिए। धारणा की परिभाषा क्या है, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा। अब देश क्या होगा और बंध क्या होगा, ठीक है, देश देख लीजिए क्या हो सकता है, नाभि चक्र हो सकता है, हृदय कमल, शरीर का भीतरी देश कहलाएगा, भीतरी देश और बाहरी देश, दो तरह के देश हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे नाभि हो गया, हृदय कमल है, नासिका का अग्रभाग है, भ्रुकुटी है, ब्रह्मरंध्र है, ये आध्यात्मिक देश रूप विषय है। फिर आगे चंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, ये बाह्य देश रूप विषय हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्णित है सूर्य, चंद्रमा, आकाश, देवता, कोई भी मूर्ति, कोई भी बाहरी पदार्थ, ये सारी चीजें क्या है, बाहरी देश है। वहां पे किसी भी देश में आप अपने शरीर का हृदय भी ले सकते हो, ठीक है। जो हम मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन नहीं होता, एक तरह का धारणा ही होता है। वो कभी हमको किसी एक चीज में ध्यान करने बोलते हैं, वापिस से वहां ध्यान आ जाता, क्या वो ध्यान है कि धारणा है, वो धारणा होती है एक तरह की, ठीक है। पर जब चित्त की वृत्ति में एकाग्रता है, तीन चीजें याद रख लीजिए आप लोग, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ठीक है, इसकी ट्रिक है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। धारणा में कंफ्यूजन ना होने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन चीजों को याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, धारणा में और ध्यान में और समाधि में कोई पूछ लेगा तो। ठीक है, समझ में आया, देशबंध चित्त से धारणा क्या है, किसी भी देश में अपने चित्त को बांधना, अन्य विषयों से हटाकर चित्त को किसी एक ध्येय विषय पर वृत्ति मात्र से ठहराना ही धारणा कहलाता है, यह है धारणा। अब धारणा के बाद आएगा ध्यान, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि से ही तो आएगा ना, संयम। तो ध्यान क्या है, तत्र प्रत्येक आंता ध्यानम, तो तत्र से तात्पर्य क्या है, तत्र से तात्पर्य क्या हुआ, जहां चित्त को लगाया धारणा में, आप जहां भी चित्त को लगा रहे थे ना, वो धारणा से ही, धारणा की आगे की अवस्था ही ध्यान है, धारणा ही ध्यान बनेगी आगे,
ठीक है, जहां पे भी आपने धारणा लगाई थी वहीं पे धारणा का बढ़कर आगे एक वृत्ति होने वाला, ध्येय मात्र की एक तरह की ही वृत्ति का प्रवाह का चलना। धारणा में क्या आपका ध्यान लगा, वापिस आ गया, आपका ध्यान लगा फिर वापिस आ गया, आपने फिर किसी देश में लगाया फिर ध्यान वापिस आ गया, एक तरह का धारणा ध्यान ही होता है। पर ध्यान जब तक नहीं बनेगा जब तक उसकी केवल ध्येय मात्र की ही प्रवृत्ति जब तक ना चले तब तक वो ध्यान नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब हम नॉर्मली मेडिटेशन करते हैं तो क्या एकमात्र की प्रवृत्ति चलती है? कुछ सेकंड के लिए चलती है, कुछ मिनट के लिए। कितने मिनट तक कोई किया है मेडिटेशन मैक्सिमम? कितने लोगों ने मेडिटेशन किया है, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा मेडिटेशन का? कितने मिनट तक सर किया? सर बहुत ज्यादा नहीं, आधा एक घंटा, क्योंकि हम पहले ही एक टाइम का लिमिटेशन लेके बैठे होते हैं, जैसे अभी हमारा होता है, तो इस वजह से एक माइंड को मैसेज दिया हुआ रहता है कि हाँ इतने में हमें आना है वापस, तो हम उतने में आ जा रहे हैं। बट अगर हम 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा लेते तो उतनी देर में एक ही चीज पे हम नहीं रहते हैं, कई सारी चीजें आती है। फिर जैसा कि आपने बताया कि फिर हमें अपने ध्यान को वापस से लाना होता है उस ध्येय पर, तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो एक बार में मुश्किल से 1-2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट बहुत मुश्किल होता है इस तरह से रुक पाना चीज पे। देखिए, आपको जब तक मालूम रहे समय टाइम है ना, कहाँ आप बैठे हो, जब तक आपको ये मालूम है तब तक वो ध्यान नहीं कहलाएगा। ध्यान करने के बाद आपको केवल एक चीज मालूम हो, केवल वो चीज जिस पे आप ध्यान कर रहे थे, ठीक है? आप अगर यदि आके बता भी रहे हो ना कि मतलब मैं इस चीज पे ध्यान कर रहा था, वो भी ध्यान नहीं है, ठीक है? ध्येय मात्र की ही प्रवृत्ति का प्रवाह चलते रहता है साधक के भीतर, अन्य किसी प्रवृत्ति का आता ही नहीं है ना। ये बहुत ऊंची अवस्था है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये ध्यान कोई छोटी सी चीज नहीं है नॉर्मल जो हम सोचते हैं, ये ध्यान समाधि वाली है। हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं वो फिट रहने के लिए करते हैं, ये ध्यान जब हम करेंगे तो ये ध्यान ही समाधि बन जाएगा आखिर आगे चल के, ठीक है? इस जो पतंजलि जी बता रहे हैं, और नॉर्मली जो हम इससे सीखते हैं वो अपने अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो नॉर्मली हमको चाहिए, ठीक है, वो उसके लिए ठीक है। लेकिन जो योगी के लिए होगा ध्यान, उसमें क्या स्थिति होगी उसको आप सोच सकते हो। प्रत्येक और एक तांता, दो चीजें हैं यहाँ पे, प्रत्येक और एक तांता। धारणा में तीन चीजें बताया जो मैंने आपको, ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये तीनों रहेंगे। किसमें? धारणा में। ध्यान में क्या क्या रहेगा? ध्यान में ध्येय रहेगा और ध्यान रहेगा, ध्याता भी नहीं मालूम कौन है, ठीक है? तीन चीजें होती है, ध्याता, ध्यान और ध्येय। धारणा में आपको तीनों चीजें मालूम होगी, कौन कर रहा है, किसका कर रहा है, क्या कर रहा है। ध्यान में क्या होगा? एक ध्येय होगा और जो क्रिया हो रही है ध्यान वो होगी, ठीक है? खुद का स्वरूप धीरे धीरे समाप्त, केवल उस ध्येय वस्तु की वृत्ति का ही प्रवाह चलेगा। फिर समाधि आती है, तदैवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अब इसमें देखो, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है, ठीक है, अभी तक क्या था, ध्येय और ध्यान ध्येय और ध्याता दोनों बचे थे। किसमें? ध्यान में ध्येय और ध्यान ध्याता दोनों थे, पर इसमें क्या होता है, ध्येय मात्र की इतनी प्रतीति होती है कि जो ध्याता होता है, ठीक है, ध्याता ध्यान कुछ भी हो, वो उस ध्यान में इतने लीन होते हैं कि उनको अपना स्वयं का स्वरूप दिखाई नहीं देता, मतलब सब शून्य हो जाता है। इसको आप किस समाधि से कोरिलेट करोगे जो हमने पढ़ा है समाधि बाद में? समाधिपाद में जो इस समाधि का वर्णन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर में, और जो हमने समाधिपाद में पढ़ा है वो कौन से निर्विचार समाधि होगी? समाधि, निर्विचार निर्विचार तो सीधे असंप्रज्ञात में पहुंच जाओगे ना। तीन संप्रज्ञ समाधि सर, चीजें थी वहां पे, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीजें थी ना। यहाँ पे सवितर्क समाधि होगी आपकी,
शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त सवितर्क समाधि। ठीक है, देखिए धारणा, ध्यान और समाधि में क्या अंतर है, एक बार सुन लीजिए आप लोग। तीन चीजें होती हैं, पहले धारणा बता देता हूं, ध्यात्र बता देता हूं। ध्यात्र क्या होता है, त्रिपुटी, इसको बोलते त्रिपुटी। एक ध्यात्र होता है, एक ध्यान होता है, एक ध्येय रूप होता है। लिखते जाना, आगे चल के काम आएगा, धारणा ध्यान में डाउट नहीं रहेगा आगे चल के। ध्यात्र कौन होता है, ध्यान करने वाला। ध्यान करने वाला कौन है, हम हुए, साधक। साधक हुआ। और वो ध्यात्र ऐसा भी नहीं कि वो केवल साधक, ध्यान करने वाला आत्मा से प्रकाशित चित्त, उस साधक का आत्मा से प्रकाशित चित्र ही ध्यात्र। किससे प्रकाशित है, आत्मा से प्रकाशित चित्र, ये हो गया ध्यात्र। फिर ध्यान क्या है, चित्त की वह वृत्ति जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है। चित्त की वृत्ति के द्वारा ही आत्मा, चित्त की वृत्ति के द्वारा ही विषय का ध्यान हो रहा है। ठीक है, जो विषय का हम ध्यान कर रहे हैं वही ध्यान है। फिर ध्येय क्या हुआ, ध्यान का जो भी विषय होगा वो ध्येय होगा। तीन चीजें क्लियर हुई, ध्यात्र, ध्यान और ध्येय। ठीक है, इन तीनों की त्रिपुटी जब तक रहेगी आप समझते जाना वांगे। किसी विषय में चित्त को ठहराते हुए उस विषयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का इस प्रकार अलग अलग भान होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, यह ध्यान है, यह विषय का ध्यान हो रहा है। ये तीन चीजें, मैं ध्यान कर रहा हूं मतलब ध्यात्र हो गया, यह ध्यान है, ये क्या हो गया, ध्यान हो गया। फिर इस विषय का ध्यान हो रहा है, ये ध्येय हो गया। तीन चीजें, धारणा में क्या होता है, ध्यान में क्या होता है, समाधि में क्या होता है। अब समझना, जब तक त्रिपुटी से भान होने वाली, त्रिपुटी की समझ में आया ना, ध्यात्र, ध्यान और ध्येय, जब तक त्रिपुटी से भान होने वाली इस विषयाकार वृत्ति का समान प्रवाह से बहना आरंभ ना हो, मतलब धारणा सॉरी ध्यात्र, ध्यान और ध्येय तीनों है, किसी विषयाकार वृत्ति का प्रवाह समान रूप से नहीं चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लग रहा है, फिर नहीं, फिर छूट रहा है। समझ रहे हो ना इसमें क्या अंतर आ रहा है, धारणा में मतलब विषयाकार वृत्ति का समान प्रवाह से बहना उदय नहीं हुआ है, अभी आरंभ ही नहीं हुआ है, किंतु व्यवधान सहित विच्छिन्न हो, मतलब बीच में वृत्ति आए फिर अन्य वृत्तियां भी आती रहे, तब तक वह क्या कहलाएगा, धारणा कहलाएगा। फिर ध्यान क्या है, मतलब जब सर, धारणा में चेतना भंग होती रहती है और ध्यान में वह अविरत रहती है। ठीक हाँ है सर। ठीक है, ये धारणा हो गई। अब ध्यान क्या है, जब यह त्रिपुटी से भान होने वाली, त्रिपुटी कौन, वही धारणा, ध्याता, ध्येय और ध्यान, ये त्रिपुटी से भान होने वाली विषयाकार वृत्ति व्यवधान अब रहित हो गई है। उस समय व्यवधान था त्रिपुटियों में, त्रिपुटी कौन कौन सी है, ध्याता, ध्येय और ध्यान, उसमें व्यवधान था, अभी इसमें व्यवधान नहीं है, रहित हो गई है। तो जो बीच बीच में विजातीय वृत्तियां आ रही थी धारणा में वो ना आए, किंतु सदस्य वृत्तियों का प्रवाह बना रहे, तब तक वह ध्यान कहलाता है। ठीक है, अब समाधि क्या है, जब इस ध्यान अर्थात व्यवधान रही त्रिपुटी से भासने वाली विषयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का भान जाता रहे, ध्यात्र तथा ध्यान भी विषयाकार होकर, ध्यात्र कौन था, हम थे, हमारा आत्मा से प्रकाशित चित्त, और ध्यान जो हम क्रिया कर रहे थे वो भी अपने स्वरूप से शून्य होने लगे, मतलब मैं ध्यान कर रहा हूं यह ध्यान की अवस्था है, किंतु केवल ध्येय विषय के स्वरूप का ही भान रहे, यह समाधि। समझ में, मतलब ना हमको पता, ये नहीं होता पता हमके, हम ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान की अवस्था, ये सारी चीजें हम समाधि में नहीं बताते। ठीक है, समाधि में ये अंतर है, ध्यान में हमको मालूम होता है हम इस विषय का ध्यान कर रहे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ, इस विषय का ध्यान कर रहा हूँ, ये सारा कुछ ध्यान में मालूम होता है। समाधि में त्रिपुटी समाप्त। ठीक है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, इस विषय का ध्यान कर रहा हूँ, ये सारी अवस्था समाप्त हो जाती है समाधि में, ये है समाधि। और ये जो समाधि होती है, ये होती है सवितर्क समाधि से संबंधित, जो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। ठीक है, किसी को डाउट है साधारणा ध्यान समाधि में, यही बताया यहाँ पे, ध्यान करते करते जब चित्त देहाकार में परिणित हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न, ध्येय क्या था, जो विषय था, उससे उपलब्धि, ध्येय से भिन्न उपलब्धि होती ही नहीं,
उस समय उस ध्यान का नाम ही समाधि है, मतलब ध्यान ही समाधि बनता है, ठीक है, ध्यान ही समाधि बने। जो मतलब नॉर्मल जो हम करते हैं तो इसका मतलब हम धारणा करते हैं, क्योंकि उस स्टेज पर तो हम पहुंच नहीं पाते हैं अभी ध्यान पर। हाँ धारणा ही होती है हमारी, ध्यान नहीं है वो, ठीक है। समाधि में वस्तु के साथ एकाकार हो जाते हैं, मतलब जैसे धारणा में तो वह अविरल रहती है, तो धारणा में तो क्या भंग होती रहती है, ध्यान में वह अविरत रहती है, और समाधि में वह वस्तु के साथ एकाकार हो जाना समाधि हाँ, मार्ग। वस्तु से तात्पर्य किसी एक ध्येय विषय में, वो ध्येय विषय हाँ आपका, हाँ ये हाँ ध्येय विषय के साथ वस्तु बोलेंगे तो फिर वो सांसारिक वस्तु से जुड़ता है। हाँ? ना सर, वो जो जो जिस चीज के लिए धारणा हमारी बनी हुई है। हाँ ये जो हम समाधि पढ़ रहे हैं ये सवीज समाधि है कि निर्वीज समाधि है, कि जो हमने पढ़ा अभी तो सभी जे सर सभी जो सभी सभी जे सर ठीक है, फिर समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी सबीज है, ठीक है, क्योंकि तो इसमें बताया है यह संप्रज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि इसमें त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, तथापि संसार का बीज ध्येय के रूप में, विषय का ध्येय होता है ना, एक जो आपका ध्येय था वृत्ति, उसमें मिलकर बोलते हैं ना चित्त का निज स्वरूप जैसे शून्य जैसा हो जाता है, मतलब त्रिपुटी का अभाव तो आपने कर दिया ध्यात्र ध्यान और ध्येय का, किंतु उसमें जो वृत्ति आपकी ध्येय रूप में बह रही है वो तो है ना अभी, मतलब अभी एक बीज बचा है, इसलिए वो संप्रज्ञात समाधि होती है, इसको हम सबीज समाधि के नाम से जानते हैं, लेकिन जब सब वृत्तियों सर। की निरोध हो जाए तब वो असंप्रज्ञात और निर्बीज समाधि कहलाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी आपके बीज विद्यमान है, इसलिए ये समाधि जो है आपकी सभी समाधि है यहाँ पे जो जो वर्णित की गई है, ये ठीक सर है। इसमें शून्य मेव ईव शब्द है ना, ईव शब्द, इसका अर्थ ही यही है कि भाव में शून्य मन चेतना भी नहीं रहती, भाव शून्य चेतना भी नहीं रहती समाधि में भी। इसमें जो जो निज शून्य, शून्य में भी बोला है ना, जो चित्त का निज स्वरूप है, स्वरूप शून्य से तात्पर्य जो चित्त का निज स्वरूप है वो शून्य हो जाता है, मतलब चित्त को स्वयं का स्वरूप का भान नहीं होता, केवल उस विषय विषय के बारे में पता होता है और वो उसी में लीन हो जाता है, उसको अन्य वृत्तियां नहीं होती उसके बीच, वो जो वृत्ति बह रही है केवल उस ध्येयकार विषय की होगी और उस विषय में ही वो लीन हो जाएगा, ध्येय मात्र की प्रतीति होती है लिखा है ना, उस ध्येय में ही वो लीन हो जाएगा, मतलब उसको अपने स्वरूप का मालूम नहीं होगा, मैं कौन हूँ कहाँ हूँ, केवल ध्येय मात्र, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी नहीं मालूम, केवल ध्येय दिखेगा उसको, वो होती है संप्रज्ञात समाधि या फिर सभी समाधि की स्थिति, यह है समाधि। देखो यहाँ पे भी लिखा है निर्वितर्क समापत्ति, दिखा है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पूछ ले तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि किस समाधि से संबंधित है, वहां पे चार ऑप्शन दे दे आपको, सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार, निर्विचार, तो फटाक से दिमाग में क्लिक कर लेना कि निर्वितर्क समापत्ति के समान बताया गया है, ठीक है, ये आपको कैसे समझ में आएगा, थोड़ा सा पढ़ने से समझ में आएगा। अब धारणा ध्यान समाधि तीनों हो गई तो क्या कहलाएंगी, त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना, कौन तीनों, धारणा ध्यान समाधि का होना क्या कहलाएगा, संयम का, मतलब आप किसी एक चीज में ध्यान किया, धारणा ली आपने, कोई एक ध्येय विषय, किसी भी एक ध्येय विषय में धारणा की आपने, धारणा से वो ध्यान बनेगी, ध्यान से फिर वो समाधि बनेगी, फिर जैसे ये धारणा ध्यान समाधि आपने लगा ली उस चीज में, मतलब वो निर्वितर्क तक पहुंच गए आप, वो निर्वितर्क के बाद ही आपको विभूतियां मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी, कब तक मिलेगी, जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित ना हो जाए, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब तक ना हो जाए तब तक ये विभूतियां आपके पास रहेंगी, विभूतियां भी क्या है, विभूतियां भी वृत्ति मानिए उसे, साधक उन विभूतियों में ही घिर जाए तो क्या होगा, लक्ष्य अर्श से से वो फर्श में आ साधना जाएगा, आगे नहीं जाएगी। हाँ नहीं बढ़ेगी, वो वापिस आ जाएगा इसी मनुष्य शरीर में, जो जैसे स्टार्ट किया था उसने वो वहीं पहुंच जाएगा, इसलिए
ये जो विभूतियां मिलती हैं ये भी इन्होंने लास्ट में बोला है ते समाधा उपसर का, ठीक है। इसमें संयम क्या है, किसी एक ध्येय विषय पदार्थ में धारणा ध्यान और समाधि तीनों का होना संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहां तहां किसी एक विषय में संयम करने को कहा जाए, संयम का फल बतलाया जाए, तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए, वही जो मैंने बताया। अब संयम करेंगे तो कुछ फल मिलेगा, है ना। संयम की सिद्धि का फल बतलाया आपको सबसे पहले, केवल संयम की सिद्धि का फल, तज्जयात प्रज्ञा लोकः, उसको जीत लेने से तात्पर्य किसको जीत लेने से है, उस संयम को जीत लेने से। तज्जयात मतलब तत् मतलब उसको, उसको मतलब किसको, संयम। जयात मतलब जीत लेने से। तज्जयात प्रज्ञा लोकः, प्रज्ञा से जब भी संबंध, जब भी आए प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक है। प्रज्ञा मतलब हमेशा बुद्धि होती है। जब आप अपने संयम को सिद्ध कर लेंगे तो क्या होगा, बुद्धि का प्रकाश होगा। बुद्धि का प्रकाश कैसा होगा, कहने का तात्पर्य उसके भीतर ऐसी, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी साधन करते करते साधक की, वो जहां भी चाहे, वो चाहे आंतरिक विषय हो, अभी तक आपको देश बंधन चित्त धारणा बोला था, या तो आंतरिक देश या बाह्य देश, संयम करना है, दो जगह कर सकते थे। लेकिन अभी जब उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली है ना, उस साधक ने संयम प्राप्त कर लिया, तो तज्जयात के बाद क्या होगा, प्रज्ञा लोक प्राप्त होगी, मतलब उसकी बुद्धि का ऐसा प्रकाश होगा जहां तहां, जहां मन वहां वो संयम पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता आ जाती है उस साधक के कि जिस भी विषय में वो संयम करना चाहे, जहां भी चाहे, तत्काल संयम हो जाता है। उस समय उस योगी की बुद्धि का प्रकाश ऐसा होता है, उस बुद्धि में क्या होती है, अलौकिक शक्तियां, ठीक है, अलौकिक शक्तियां होती हैं। इस बुद्धि को हम किस नाम से जानते हैं, अध्यात्म प्रसाद, जो हम पढ़ के आए हैं, अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था उसको, ऋतंभरा प्रज्ञा और अध्यात्म प्रसाद में क्या बताया था, याद है किसी को, अध्यात्म प्रसाद किसका फल है, मेरे को कौन बताएगा, रुको तो मैं दे रहा हूँ, रुको एक मिनट, रिया जैन बताओ अध्यात्म प्रसाद किसका फल है, किसका परिणाम है, सूत्र के साथ बताओ, रिया जैन, रचना राजपूत आप बताइए, अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। रचना राजपूत जी आपका मोबाइल सच में बनवाने योग्य हो गया है। विचार बेसारदे अध्यात्म प्रसादा, किसी को सुनाई दे रहा है, यस सर, हल्की हल्की आवाज आ रही है, निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसादा। बहुत बढ़िया रचना जी, थोड़ा सा बनवाइए फोन, कितने दिन हो गए क्लास लेते, एक महीना हो गया, अभी अब तक आपका फोन नहीं बना, रचना जी सर दो बार बनवा लिया फिर भी एक भी बार नहीं वो सुधार पाता दुकानदार, गलत दुकान जा रहे हैं आप, एक ही दुकान जाती हैं क्या सर, एक बार यहाँ पे दिखाया, एक बार अपने घर गए थे यूपी तब दिखाया था फिर भी नहीं सुधरा वो। कौन सा फोन है आपका, मोबाइल में मोबाइल, किसी किसी कौन सा फोन है, ब्रांड बताइए, एमआई का है, अच्छा ओएलएक्स पे बेची है उसको, दूसरा लेने का कोशिश करिए, मोबाइल को हमेशा दो तीन साल, दो साल में चेंज कर देना चाहिए, मोबाइल चेंज करना बहुत जरूरी, फिर हैंग मारने लगता है। अध्यात्म प्रसाद निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद है, जब भी अध्यात्म प्रसाद है ना ऐसे याद रखोगे, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है कि अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, तो निर्विचार समापत्ति का परिणाम है अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद में क्या होता है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती थी, याद है ना, ऋतंभरा प्रज्ञा में क्या हुआ था, अध्यात्म प्रसाद में तो बुद्धि आपकी इतनी शुद्ध हो गई थी, निर्मल हो गई थी, ठीक है, पहले तो उसके अंदर जो चित्त जो मलिन था आपका, बुद्धि जो मलिन थी वो साफ हुई, इसमें अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद एक साबुन है समझ लो। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा क्या थी, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता जी, सत्य को धारण करने की क्षमता, हाँ
सत्य को धारण करने की क्षमता मैंने बताई थी ऋतमरा प्रज्ञा है, ये वही ऋतमरा प्रज्ञा है। मतलब इसमें साधक की बुद्धि ऐसी होती है जहां जाए वहां मन अपना लगा सकता है, अपनी बुद्धि लगा सकता है, संयम कर सकता है। अब इस संयम करने के लिए भी कुछ विधि का बताया है यहाँ वर्णन। विधि कैसी होगी? वो विधि होगी तस्य भूमिषु विनियोग। मतलब यहाँ क्रम का वर्णन है। तस्य मतलब उस संयम का कैसे करना है, क्रम से भूमियों में विनियोग करना है। ठीक है, कैसे करना है, क्रम से। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे सीधे सूक्ष्म चीजों पे अपना ध्यान नहीं लगा सकते, पहले आपको स्थूल वस्तुओं पर ही अपना संयम करना पड़ेगा। संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि पहले किस में लगाओगे, स्थूल में लगाओगे, फिर सूक्ष्म में लगाओगे। उसी चीज को यहाँ पे तस्य भूमिषु विनियोगः बोला। मतलब संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले सूक्ष्म विषय में संयम करें, उसके पश्चात जब आप स्थूल में स्थिर हो जाएं, उसके पश्चात ही स्थिर होने के बाद सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता है उस उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना? ठीक है। जैसे धनुर्धारी लोग क्या होते हैं, सीधे अर्जुन आंख की मछली को एम नहीं बना सकते थे, वो पहले किसी स्थूल चीज में ध्यान किए होंगे, बाद में वो छोटी चीज पे ध्यान किए होंगे। ठीक है, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। समाधि में कैसे समझेंगे इसको, पहले साधक को क्या करना चाहिए, योगी को पहले वितर्कानुगत, फिर विचारानुगत, फिर आनंदानुगत, फिर अस्मितानुगत, ऐसे बढ़ना है। एक तरह से ये समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, अंत में विवेक ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है इसमें। ठीक है। अब देखो ये जो तीन बताए हैं, त्रयम अंतरंग, धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के क्या थे? धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है किसके, अष्टांग योग के। पूरा बताया करो, धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है अष्टांग योग के, लेकिन बहिरंग है समाधि निर्बीज समाधि के। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, हिंदी में बोलते जाया करो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये। जो तीन अंतरंग अभी पढ़ा आपने, त्रयम अंतरंग, वो पूर्वेभ्य में किसके अंतरंग है, अष्टांग योग के। मतलब पूछे जाए आपसे बहिरंग क्या है, अंतरंग क्या है, तो वो तो बता लोगे ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार क्या है, बहिरंग है किसका, अष्टांग योग का। लेकिन धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग है किसका, अष्टांग योग का। लेकिन लेकिन तदपि बहिरंग निर्बीजस्य, लेकिन बहिरंग समाधि, लेकिन निर्बीज समाधि के बहिरंग कहलाते हैं। ये जो ऊपर तीनों कहे हुए धारणा आदि तीनों हैं, ये निर्बीज समाधि के बहिरंग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो निर्बीज समाधि होती है वो पर वैराग्य की दृढ़ता से होती है। जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, उसको बताया था मैंने आपको, निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार, है ना, तो उन संस्कारों को ही बोल रहे हैं। निरोध के संस्कारों का भी, जब तीन संस्कार बताए थे ना, कौन कौन से याद है, व्युत्थान के संस्कार, समाधि प्रारंभ, फिर एकाग्रता के संस्कार, और फिर अंत में निरोध के संस्कार। तो जो निरोध के संस्कार होते हैं वही पर वैराग्य में आते हैं। चार चीजें मैंने पहले ही आपको समाधि बाद में ही सब बता दिया है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगना चाहिए। तो सर ये जो मतलब तदेव अर्थ मात्र जो है, ये सभी समाधि है, ये सभी जो मैंने बताया तो था, तो मतलब सभी जो में निर्वित ठीक है सर, सभी जी, सभी निर्वितर्क समापत्ति एग्जैक्ट बोलोगे, और सभी समाधि है वहां लिखा हुआ भी है। निर्वितर्क सभी होता है कि निर्बीज होता है साक्षी जी, सबीज। हाँ तो भी सबीज हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा, पर वैराग की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है।
अतः धारणा ध्यान समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव हो जाता है। मतलब धारणा ध्यान समाधि से क्या प्राप्त होगा अंत में? विवेक ख्याति प्राप्त होगी ना, क्योंकि रितमरा प्राप्त हो रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या समझा है, अभी ध्यान प्रसाद प्राप्त हुआ, फिर रितमरा प्रज्ञा प्राप्त हुई, यहीं पे पढ़ते आए हो ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कहाँ पे बताया था? यहाँ पे बताया था, अभी ध्यान प्रसाद प्राप्त हुआ, फिर रितमरा प्रज्ञा प्राप्त हुई, फिर क्या प्राप्त होगा? विवेक ख्याति प्राप्त होगी, फिर क्या प्राप्त होगा? धर्मिक समाधि प्राप्त होगी। धर्मिक समाधि भी जब छोड़ दोगे तब जाके निर्वीज समाधि सिद्ध होगी। इसलिए इसको जो ऊपर के तीन कहे हैं, इसलिए इनको बहिरंग बोला है। एक शब्द में यही समझाया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है? किसी भी ध्येय विषय में, ध्येय में चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया जाता, इसमें बोला है। मतलब कोई भी ध्येय विषय नहीं होता आपका, ठीक है? आया समझ? सर बहुत फास्ट हो रहा है सर। हाँ सर, कितना सरल से है यार। आप लोग लग रहा है कि बहुत तेज चल रहे हैं, बहुत बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। समाधि और साधना में थोड़ा सा फास्ट नहीं था अभी, वही ये तो कठिन है, सिद्धियां प्राप्त करना है, कठिन से थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन चाहिए। चलो आपको मैं नए तरीके से पढ़ाता हूँ। अभी आपने धारणा ध्यान समाधि समझ ली ना, जैसी आपकी बुद्धि में वैसी बताता हूँ। अभी आपकी बुद्धि हैंग हो गई है, मैं आपको कुछ नया सिखाता। अरे यार, ये धर्म परिणाम, धर्मी परिणाम कल बताऊंगा। अभी नॉर्मली टाइम को अपन मर्ज करने के लिए कुछ नई चीजें जान लेते हैं। ये धर्म, धर्मी, ये बहुत शांत मन से सीखने वाली चीज है, ठीक है? अभी आपको कुछ चीजें मैं ऐसी बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए भी स्वयं, ये परिणाम त्रैविद जब समझाऊंगा, जब परिणाम आपको समझ में आ जाएगा, ये धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम जब समझ में आएगा तब ये वाला सूत्र बताऊंगा। अभी आप लोग नॉर्मली एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है विभूति में, ठीक है? नॉर्मली देख रहे हैं एग्जाम में, अभी एग्जाम के पर्पज से केवल आपको मैं बता रहा हूँ, 17 से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं। इसके ऊपर वाले जो है थोड़ा सा जटिल है, मैं आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपकी बुद्धि वो समझने योग्य नहीं, थक गई, मुझे ऐसा लग रहा है ना, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। शब्दार्थ प्रत्ययनाम इतरेतराध्यासात संकर स्थित प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम, ठीक है? एक शब्द में लिखते जाओ, सर्वभूत रूत ज्ञानम मतलब क्या होता है? किसी भी जानवर से बात करने की विभूति, एग्जाम के पर्पज से समझा रहा हूं, ठीक है? किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है, उस लैंग्वेज की एक शब्द होगी, उस शब्द का एक अर्थ बनेगा, उसका एक ज्ञान होगा, कोई भी लैंग्वेज हो। मैं आपको अभी मैं चाइनीज बोलने लगू या फिर मैं आपको रशियन बोलने लगू, उसका एक शब्द होगा, शब्द से आप एक अर्थ निकालोगे, अर्थ से मिलेगा ज्ञान। मतलब इन तीनों का सम्मिश्रण होगा तभी जाकर आपको किसी भी लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, ठीक है, वाणी के बारे में पता चलेगा। तो जब साधक इतना संयम कर लेता है, अपने संयम की सिद्धि, वही धारणा ध्यान समाधि जब इतना अच्छा हो जाता है उसका, कि शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों के इतरे तरह अध्यासात, मतलब इन एक दूसरे का अध्यास हो जाने के कारण जो मिश्रण हो रहा है तीनों का, शब्द अर्थ और ज्ञान का, उसके विभाग में संयम कर ले, तो क्या होता है? संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान होता है। मतलब आप अब यदि किसी भी लैंग्वेज के, कोई भी लैंग्वेज का शब्द अर्थ और ज्ञान पे संयम आपने कर लिया, तो आप उस जानवर की या फिर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जीव की, उससे बात कर सकते हो, ठीक है? एक तरह की सिद्धि ऐसी है, ठीक है? अभी और देखते हैं आगे, इसको और एक बार चर्चा कर लेंगे।
संस्कारों में संयम करने से क्या होता है, पूर्व जाति का ज्ञान होता है। ठीक है, अब देखो जो पिछले टाइम लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा था, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा पढ़ा था ना, उसमें भी पूर्व जाति का ज्ञान हो रहा था, याद आया, यही था ना जन्म कथनता संबोधा। इसमें भी देखो पूर्व जाति का ज्ञान हो रहा है, और संबंध किससे है, संस्कार से। और वहां पे क्या पढ़ा था, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह से तात्पर्य वही मैंने जो आपको बताया था, अविद्या आदि चीजें, जब वो अविद्या आदि चीजें जाएंगी तभी तो संस्कार का क्षय होगा, जब संस्कार नहीं बनेंगे तो कर्म जो कर्म है, कर्मों का कर्माशय बनता जा रहा है, कर्मों का समुदाय जो बनता जा रहा है वो नहीं बनेगा, तो तुरंत आपको आपकी पूर्व जाति का ज्ञान होगा। इसलिए संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति ज्ञानम। ठीक है, अभी कोरिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो अपरिग्रह में जन्म कथनता संबोधा क्यों हो रहा था। यहाँ पे ये समझाया हुआ है संस्कारों को साक्षात्कार कर लेने से, क्योंकि आपने अपने कर्मों पे संयम प्राप्त कर लिया, अविद्या आदि जो क्लेश थे उनको अपरिग्रह मानकर त्याग दिया, इसलिए संस्कार का साक्षात्कार हुआ और पूर्व जन्म का आपको ज्ञान हो गया, मतलब आप कब जन्म हुए थे, कहाँ जन्म हुआ था, ये सारा कुछ आपको पूर्व जन्म का ज्ञान आपको इससे हो गया, संस्कार साक्षात्कार करना जिसको बोलते। फिर प्रत्ययस परचित ज्ञानम, अब आपको दूसरे के चित्त के बारे में पढ़ना है। जैसे कि कुछ साधु महात्मा होते हैं, मैं आपको बोलूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आपको मालूम है क्या? नहीं सर। नहीं मालूम है ना, यदि आप प्रत्यय पे, यदि आप मेरी प्रत्यय पे आप अपनी सिद्धि कर लो, मतलब धारणा ध्यान समाधि किस पे लगा लो, मेरे प्रत्यय, प्रत्यय से तात्पर्य मेरी बुद्धि से, मेरे चित्त से, मतलब चित्त की वृत्ति। ठीक है, यदि आपने उस प्रत्यय पे अपनी धारणा ध्यान समाधि लगा ली तो आपको मेरे परचित्त का ज्ञान हो जाएगा, मतलब मेरे चित्त का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, फिर भी पढ़ेंगे। आप देख लो उसको, फिर बाद में हम लोग फिर आराम से समझेंगे। हाँ, पढ़ने तो अपने रिलीज और एक बार रिलीज होता है। हाँ, योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसी मेरी बुद्धि है, मैं शांत हूँ कि चंचल हूँ, मतलब आप जान जाओगे मेरे को देखकर या फिर किसी भी व्यक्ति को देखकर, तब ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अभी और देखते हैं। पर जो इसकी एक कंडीशन बताई है 20 नंबर में, जो प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम है ना, इसकी एक कंडीशन है, ये आलम्बन एक रहित होता है, आलम्बन सहित होता है। ठीक है, तो ये जो प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम हुआ, मतलब ये कैसा हुआ, आलम्बन ना चाहता आलम्बन, मतलब आलम्बन सहित नहीं होता है, मतलब आलम्बन रहित होता है। चित्त के साक्षात्कार से योगी जो दूसरे चित्त का ज्ञान कर रहा है, मतलब उसके चित्त के स्वरूप मात्र का ही अनुभव होगा, एक तरह से ये बताया, मतलब वो उसका चित्त मूड है कि मतलब शांत है, केवल ये पता चलेगा आपको, इसके इससे मतलब ये है प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम से। वो कैसा होगा, आलम्बन रहित होगा, आलम्बन रहित से मतलब मैं शांत हूँ कि मैं चंचल हूँ, केवल ये, अभी जो मैंने बोला ना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये नहीं होगा, वो आगे वाले में होगा, सॉरी में डाउट थोड़ा सा याद नहीं आया मेरे को, लेकिन ये जहाँ आलम्बन रहित होगा, ये जो प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, उस चित्त का आलम्बन सहित ज्ञान है। ठीक है, इसको अभी आगे समझाएंगे आपको, और समझ लो आपको अंतर ध्यान होना है, काया में आपने संयम कर लिया, मतलब सर उसका अर्थ ही हमारी बुक में ऐसे लिख रखा है कि मन में चल रहे विशेष विचारों को नहीं जाना जा सकता, केवल विचारों की प्रकृति को जाना जा सकता है। हाँ, मतलब मैं मूढ़ी हूँ कि प्रशांत हूँ, ये है जो उसके मतलब विचारों को नहीं जाना सकता, आपको विशेष विचार नहीं जान सकते, आप केवल उसको जान सकते हो कैसा व्यक्ति है, धार्मिक है आध्यात्मिक है, केवल ये सब चीजें ही पता चलेंगी। अब यदि आपको अंतर ध्यान होना है, अंतर ध्यान मतलब यदि आपको गायब होना है, ठीक है, नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इनमें और अच्छे से। यदि आपको गायब होना है, अंतर ध्यान समझ रहे हो ना, कई बार ऐसा होता है कि तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं चला। आपने किसी ने कंटारा देखी है, कंटारा मूवी,
कंतारा देखी है ना किसी ने? मिस्टर इंडिया देखी है सर, नया नहीं कुछ सर, नहीं देखा। कंतारा मूवी इतनी अच्छी है, उसको जरूर देखना। देखी कंतारा मूवी में वो जो होती है देवी, वो भी अंतर ध्यान हो जाती है, और जिसके अंदर वो रूप आता है वो भी अंतर ध्यान हो जाता है। ये अंतर ध्यान एक तरह की ये चीजें हैं। अंतर ध्यान मतलब गायब हो जाना, मैं आपको पकड़ने जाऊं आप अंतर ध्यान हो जाओ। इंद्र के पास भी था ये, इंद्र को जैसे ही मारने जाते थे वो अंतर ध्यान हो जाता था। तीर मारा आपने, तीर गया ही नहीं, वो तुरंत अंतर ध्यान हो गया। मतलब ये अंतर ध्यान की सिद्धि है। ये क्यों होता है अंतर ध्यान, अब ये समझो कैसे होगा। काय रूप संयमात तद्ग्राह शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा। किसी भी चीज को देखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है? देखो क्या क्या होती है वो। पहले तो देखो, किसी भी चीज को आप देख रहे हो तो आपकी आंखों से प्रकाश जा रहा है ना, प्रकाश जा रहा है और वापस लौट कर आ रहा है, तब जाके आपके रेटिना में पढ़कर आपके माइंड को बता रहा है कि वो चीजें वहां रखी हुई है। ऐसे ही होता है, हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो हमारे आंख से प्रकाश गया, वहां से टकराया और वापस हमारे रेटिना में आके हमारे ब्रेन को बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज रखी हुई है। प्रकाश जब वापिस आएगा तभी बताएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अपने काया में संयम कर लिया, मतलब शरीर के रूप में संयम कर लिया, तो जो प्रकाश मतलब अपने शरीर में आपने संयम कर लिया है, आपका जो ऑरा है ना, ऑरा मतलब वो आकाश तत्व, आपने उस आकाश तत्व में संयम कर लिया है काय रूप में। एक मिनट रुकना ना, एक सेकंड रुकना। भैया बोला तो ना, बात बता दो मैं उनको बताया था शुरू में। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी देखो क्या समझा रहा था मैं आपको, यदि किसी भी चीज को यदि आपको देखना है तो आपका प्रकाश जाएगा और वापिस आके आपके ब्रेन को बताएगा। लेकिन यदि आपने अपनी संयम काय अपने आकाश तत्व पे संयम कर लिया, धारणा ध्यान समाधि से संयम प्राप्त कर लिया, तो जो भी प्रकाश आएगा वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो वापिस लौट कर उसके व्यक्ति के अदर व्यक्ति की आंखों में नहीं जाएगा। इसलिए कुछ योगी जो ऐसे होते हैं जो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते संसार सागर को, वो केवल अपनी धारणा में लीन होना चाहते हैं, मेरे को ना कोई देखे और ना मुझे आके डिस्टर्ब करे, ये उनके लिए है। ये सिद्धि इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? जब आपने अपने काय रूप में स्वयं कर लिया तो जो प्रकाश आ रहा था वो तो आपने सोख लिया, सोख लिया मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो प्रकाश वापिस लौट कर उसके व्यक्ति के फिर किसी भी प्राणी की आंखों में जाएगा नहीं, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? यहाँ पे लॉजिक ऐसा है, लॉजिक से समझना इसको। चक्षु प्रकाशा, चक्षु प्रकाशा, गया आया बताया, ये नहीं होगा क्योंकि वो जो प्रकाश गया वो लौट के ही नहीं आया, तो बताएगा कैसे कि यहाँ पे कोई है। समझ में आई चीजें, यहाँ पे क्या लॉजिक है? अभी देखो, अब आपको मैं बोलूं कि अभी आप आज मत जाओ, आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा। यदि आप इतने बजे के बीच गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए आप एक काम करो, आप इतने समय के बाद जाओ। आपने अपरांत ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसको बोलेंगे अपरांत ज्ञान, ठीक है? मतलब अरिष्ट होने का आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वो कैसे होगा, मतलब आपने कर्मों पे संयम किया। कर्म देखो दो प्रकार के होते हैं, एक एक उपक्रम सहित और एक होता है उपक्रम रहित, ठीक है? उपक्रम सहित और एक उपक्रम रहित। ये क्या हो गया, हाँ देखो, उपक्रम सहित और उपक्रम रहित में क्या मतलब अंतर है। उपक्रम सहित जो मैंने आपको प्रारब्ध क्रियामाण बताया था, याद है ना प्रारब्ध क्रियामाण? अब कैसे आपको पता चलेगा कि अगला वहां जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर नहीं होगा, कैसे पता चलेगा वो, उसको समझो। कर्मों के फल स्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है, कर्म संस्कार में पढ़ते आए हैं, जैसा कर्म करोगे वैसी आयु होगी आपकी। तो मालूम आप कर्म कैसे करोगे, दो प्रकार से बताया वो। कर्मों के फल कैसे होंगे, दो प्रकार के होंगे। जिनके फल का आरंभ हो चुका है उसको क्या बोलोगे आप,
जिनके फल का आरंभ हो चुका है उस फल को क्या बोलोगे, प्रारब्ध, क्रियमाण और किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल दो तरह का बताया। सोपक्रम यदि बोला है तो वो प्रारब्ध बोलेगा, मतलब जिनका फल प्रारंभ हो चुका है मिलना, हानि मिल रही, लाभ मिल रहा, दुख मिल रहा, सुख मिल रहा, वो सब प्रारब्ध है आपके, प्रारब्ध कर्मों का फल, मतलब अपना फल देने में लगे हुए हैं प्रारब्ध। सोपक्रम मतलब प्रारब्ध कर्म। निरुपक्रम क्या, जिसके फल भोग का आरंभ नहीं हुआ। इन दो प्रकार के कर्म, मतलब फल भोग का आरंभ नहीं हुआ मतलब कौन सा कर्म हुआ ये? निरुपक्रम कर्म। अरे संचित हुआ ना, संचित संचित हुआ ना आपका, संचित मतलब फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है। अभी मैंने एग्जांपल देके समझाया था, फल पका नहीं इसलिए नीचे नहीं गिरेगा, तो जब तक वो फल नीचे नहीं गिर रहा है वो संचित कर्म, और जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो क्रियमाण होता है, जो कर जो जमता जा रहा है वो संचित है, जिसका फल मिल रहा है वो प्रारब्ध है। ये तीन चीजें मैंने आपको समझाई थी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो निरुपक्रम जो है वो आपका संचित है, संचित कर्म फल। अब आपने किसी भी प्राणी का प्रारब्ध कर्म हो या संचित कर्म हो उस पर संयम कर लिया, धारणा ध्यान समाधि उसके संचित कर्मों पे लगा दी, तो आपको या तो दूसरे प्राणी का होगा या तो स्वयं का होगा, या तो आप स्वयं का देख सकते हो या फिर दूसरे का देख सकते हो। मैंने बोला था जो साधु संत होते हैं वो अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं, याद है, याद आया, वो ऐसे टाल सकते हैं, वो अपने कर्मों पे स्वयं कर लिया, ठीक है, ऐसे ही होता है। वो अमर नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु होनी, जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो डैम श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो उसको टाल सकते हैं। मृत्यु का ज्ञान अपरांत ज्ञान कहलाता है, अरिष्टेभ्यो मतलब वही, जैसे बिल्ली रास्ता काटे अरिष्ट का ज्ञान हो जाए, ये सारा कुछ अरिष्ट में आता है। वो कैसे किया आपने, उसके सोपक्रम और निरुपक्रम मतलब प्रारब्ध और संचित में आपने स्वयं कर लिया, या तो स्वयं के कर लो या तो दूसरे के कर लो। सर तो नॉर्मली जैसे बोलते हैं ना कि जन्म मरण जो है वो एक निश्चित है, लेकिन साधक के लिए हम बोल सकते हैं कि निश्चित नहीं है क्योंकि वो टाल सकते हैं। वो टाल सकते हैं मतलब वो ये सब ये जो विभूतियां मिल रही है वो अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं रख रहे, वो क्यों जरूरी है उनको, वो समाधि जाना चाहते हैं ना, वो कैवल्य चाहते हैं। कैवल्य तक आप जाओगे तो वैसे भी इन सब चीजों से राग समाप्त हो जाएगा, तभी जाकर ये चीजें मिलेंगी। जिस भी व्यक्ति को राग होगा और उसको ये सब नहीं मिलेंगे। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे बड़ा बल क्या है, सबसे बड़ा बल क्या है, यदि आपको किसी के बहुत बल चाहिए, तो यहां बोला मैत्र्यादिशु बलानी, मतलब मैत्री आदि जो भावना है, मैत्री करना मुझे तो अपेक्षाणा मालूम है ना, आपने इस पे संयम कर लिया तो आपको बहुत बल प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझाएंगे अगली बार, थोड़ा सा भी एक बार मतलब एक बार दिखा दूं आपको। अब आपको हाथियों के बराबर बल चाहिए, हाथी के बराबर बल, मतलब मुझे हाथी के बराबर बल हो जाए, मतलब जैसे भीम के पास था कितने हजार हाथी, 10,000 हाथियों का बल था ना। अब आपको मान लो 10,000 हाथी का बल चाहिए, तो अब उस हाथी के बल पे संयम कर लीजिए, ठीक है। हाथी के बल पे संयम कर लिए तो क्या होगा, हस्ती बलादिनी, मतलब जिस भी व्यक्ति का बल हो आप उस पे संयम कर लीजिए, आपको उसके बल की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। बलों पे संयम करने से आपको हाथी के समान बल प्राप्त हो जाता है, मतलब ऐसा समझाया एक शब्द में, ठीक है। मतलब जिसके भी बल में करो, वो वाली कहानी देखे हो ना जिसमें सुग्रीव, सुग्रीव का भाई बाली, बाली को समझ लो बल पे संयम प्राप्त था, उसके सामने जो भी आता था वो उसका आधा बल अपने पे ले लेते, है ना यार, पढ़ा है ना रामायण, देखा है ना। हाँ जी सर। हाँ तो सुग्रीव के पास जो था वो ये बल प्राप्त था उसको, मतलब वो जिसको भी चाहे उसका बल आधा ले लेता था। लेकिन जब हनुमान जी की कहानी आती है, हनुमान जी का जब वो बल लेने लगे, हनुमान जी के पास इतना बल है अतुलित बल धामा, कि वो उनका बल लेने के काबिल ही नहीं, मतलब इतना सामर्थ्य नहीं कि तो हनुमान जी का बल अपने भीतर ले सको, ठीक है। हनुमान जी से मतलब हनुमान जी, हनुमान जी उनके बारे में मैं क्या बात करूं,
उनका बल लेने के लिए तो कई बार ऐसे उसमें मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रवृत्यालोकन्या सात सूक्ष्म व्यवहित विपकृष्ट ज्ञान बताया था मैंने, याद करो। प्रवृत्यालोकन्या सात को समाधिपाद में क्या बताया था, ज्योतिषमति प्रवृत्ति बताई थी मैंने। ज्योतिषमति प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे आपको दूर रखी वस्तु, पास रखी वस्तु, व्यवधान वाली वस्तु आपको दिखने लगती है। ये कैसे हो गया, प्रवृत्यालोकन्या सात। मैं आपको बोलूं उस दीवाल के पीछे क्या रखा है, आप नहीं देख पा रहे हो ना, लेकिन यदि आपने ज्योतिषमति प्रवृत्ति पे संयम कर लिया, प्रवृत्यालोकन्या सात कर लिया, तो चाहे उस दीवाल के उस पार क्या चल रहा है आप देख सकते हो। और आंख बंद कर कर जैसे शंकर जी देखते हैं कि यहाँ ये चल रहा है, वहां वो चल रहा है, वो सारा कुछ ये जो विभूति है ये इससे मिलेगी, इससे ज्योतिषमति प्रवृत्ति से, ठीक है ना। इसको और पढ़ेंगे। अब आपको भुवन ज्ञान हो गया, सूर्य संयमात, आपने सूर्य में संयम किया, किसमें संयम किया, सूर्य भगवान। कितने लोक होते हैं, लोक के नाम मालूम है? हाँ सर, सप्तलोक। कौन कौन से? चौदह भुवन होते हैं। पुराणों में 14 भुवनों का वर्णन आता है, उनमें से एक भूलोक है पुराणों में, और कई कई जगह में भू भुव सोह महजन तप सत्य, यही याद है ना, भू भुव सोह महजन तप सत्य। ये जो होते हैं सात तरह के होते हैं, सात लोक, सप्तलोक जिसको हम जानते हैं, सात लोक, 14 भुवन, इन सब का ज्ञान यदि आपको प्राप्त करना है तो कहाँ संयम करना होगा, सूर्य में। ये विभूति पात समझा रहा हूं, सूर्य में संयम कर लो, आपको इस तरह के समस्त लोकों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। किस लोक में क्या है, इस लोक में ये है, उस लोक में ये है, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, ये आध्यात्मिक सिद्धियां। अब मैं आपको बोलता हूं कि चंद्र में संयम कर लो, चंद्रमा में, मून में। चंद्रमा में संयम करने से क्या मिलेगा आपको, तारा व्यूह ज्ञानम, मतलब कौन सा तारा किस स्थान में टिका हुआ है। अब ये बताओ मेरे को, यदि आपको ये सिद्धि मिल गई तो इसका संबंध क्या है हमारी साधना से, बताओ। चंद्रमा में संयम करने से क्या मतलब, क्या क्या फायदा मिलेगा साधक को? मन शांत हो जाएगा सर, बल्कि चंद्र मन का कारक है। तारों का ज्ञान, तारों के स्थान का ज्ञान हो जाएगा सर। हाँ, इससे हम क्या करेंगे, इसमें क्या छुपा हुआ है, तारों के ज्ञान में, तारों के स्थान के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्या होगा, हमारी साधना में क्या मिलेगा फायदा, ये है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान अगर कोई बोले कि ज्योतिष विज्ञान का वर्णन क्या पतंजलि योग दर्शन में है, हाँ जी, ये है चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ये ज्योतिष विज्ञान है। ज्योतिष विज्ञान जानते हो ना, वो नक्षत्र मिलाना वगैरह वगैरह पता है ना, एस्ट्रोनॉमी, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट वाला काम है, यहाँ से स्टार्ट हो गया 27 नंबर में। अब ये देखो एक और एस्ट्रोलॉजिस्ट की कहानी, ध्रुव तक गति ज्ञानम, ध्रुव तारा में संयम कर लोगे तो उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाएगा। अब सारा आपको ये पता चल गया, तारा कहाँ स्थित है, किस गति से चल रहा है, किसके ऊपर कौन सा नक्षत्र भारी पड़ेगा, किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी सिद्धियां क्या है, नक्षत्र पे, मतलब देखो रे किस समय कौन सी राशि पे कौन सा नक्षत्र भारी पड़ेगा, ये सारा का सारा जो आपको ज्योतिष विज्ञान, जो मैंने एक शब्द बोला, वो आपको नॉलेज यदि लेना है, ज्ञान लेना है, आप सिद्धि चाहते हो ये वाली, तो आपको चंद्र में और ध्रुव तारे में आपको संयम करना पड़ेगा। ध्रुव में करोगे तो तारे की गति का ज्ञान होगा, और चंद्रमा में संयम करोगे तो किस जगह में है वो याद आपको पता चल जाएगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, चंद्रमा में करोगे तो क्या मिलेगा, वो किस किस स्थान में है चंद्रमा में, लेकिन अगर ये ध्रुव तारे में कर दिया तो कौन सा तारा किस गति से चल रहा है इसका ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको मैं बोलूं आपके शरीर का ज्ञान होना चाहिए, आपने अपनी नाभि चक्र में संयम कर लिया, आपकी नाभि नेवल जो होती है ना, हमारी नाभि जो हमारे समान वायु को चला रही है, किसी भी व्यक्ति के या भी अपने, ये सिद्धि किसको मिली होगी बताओ,
इमेजिन करके देखो, नाभि चक्र कायव्यूह ज्ञानम, मतलब संपूर्ण शरीर का ज्ञान, कौन सी नर्व्स कहाँ चल रही है, मतलब 72,000 नाड़ियां कहाँ चल रही हैं, मतलब शरीर, पूरा शरीर, हमारा दिल किस गति से धड़क रहा है, ये सारा ज्ञान उस समय, अभी तो बीपी मशीन है आपके पास, उस समय बताओ किसको मिलते रहे होंगे जिन्होंने। सुश्रुत सर करते हैं, पतंजलि चरक। हाँ आ गए ना, बहुत बढ़िया, अच्छा कोरिलेट कर रहे हैं ऐसे। यदि मैं आपको बोल दूं कि आपको अपने शरीर का ज्ञान करना है, तो आप अपने नाभि चक्र पर सेम करो, आपका शरीर का ज्ञान हो जाएगा आपको, आपकी शरीर की स्थिति कैसी है, आपकी धातु पुष्ट है कि नहीं। मेरी 7 धातु है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, कौन सी धातु पुष्ट है, कौन सी धातु पुष्ट नहीं है, ना शरीर का संगठन कैसे हुआ है, इस सारा का ज्ञान आपको नाभि में सेम करने से मिल जाएगा। जो किसको मिला था, ये आयुर्वेद में जितने भी वर्णित है ना, इनको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ अभी, फिर डीप में पढ़ेंगे इसको। अब मैंने आपको बोला कि आपको भूख प्यास ना लगे, देखो साधना करने बैठे हो, भूख प्यास तो सताएगी, और भूख प्यास सताएगी तो कैसे काम करोगे कैवल्य के लिए, तो कहाँ सहम करना पड़ेगा, अपने कंठकूप में, अपने गले में, अपने कंठकूप में संयम कर लिया तो भूख प्यास से निवृत्ति हो जाएगी। भूख प्यास से निवृत्ति होगी तो बोलते हैं ना, पापी पेट के कारण ही दुनिया संसार सागर का भोग करती है, और फिर कर्म करती है, कर्मों का संस्कार बनाती है। आपने अपनी भूख प्यास पर संयम कर लिया तो ना कोई पाप करोगे ना कुछ करोगे, केवल लगे हो इतने 12-12 दिन, 15-15 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए, श्वास भी ली है तो प्राणायाम सिद्ध करके विभूतियां मिल रही हैं, मतलब केवल श्वास के सहारे आप जीवित हैं, ठीक है, आपने प्राणायाम में ऑलरेडी वो सिद्ध कर लिया। लेकिन यदि आपने कंठकूप में भी संयम कर लिया तो ना भूख सताएगी आपको ना प्यास सताएगी, जो आपकी साधना के लिए बहुत जरूरी है। तृष्णा का पूर्णता अभाव हो जाएगा। हाँ, ना भूख ना प्यास, तृष्णा मतलब प्यास, और सॉरी, तृष्णा मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, ठीक है, छुत मतलब भूख, पिपासा मतलब प्यास, भूख प्यास से छुटकारा, भूख प्यास ना लगे तो कितना बढ़िया है। तृष्णा का अर्थ कुछ और भी ले सकते हैं ना, तृष्णा मतलब प्यास, तृष्णा सर इच्छा को भी बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते शुद्धा हैं। बोलते हैं ना सर, शुद्ध उसको तो, भूख को तो, पिपासा देखो तो अर्थ एक, यहाँ पे जो तृष्णा है ना, वो भूख हाँ प्यास उस, से, हाँ वो ही कह रही थी। यहाँ पे जो तृष्णा है वो भूख प्यास से है, क्योंकि कंठ से है, कंठ से संबंधित है, कंठकूप से संबंधित है, इसलिए भूख प्यास से, इसको आप समझ के चलो। अभी देखो कूर्म नाड़ी, यदि आपने अपनी कूर्म नाड़ी पे संयम कर लिया, शरीर में कितनी नाड़ियां, 72,000 नाड़ी, कूर्म नाड़ी कहाँ रहती है, आपके वक्ष स्थल में, एक कछुए के आकार वाली नाड़ी है, ऊप के पीछे मतलब वही हृदय के पास, एक कछुए के आकार वाली नाड़ी है। यदि आपने ये याद रखना, जो कूर्म नाड़ी होती है स्थिरता का प्रतीक होती है, कूर्म नाड़ी स्थिरता का प्रतीक होती है। आपने अपनी कूर्म नाड़ी में संयम कर लिया तो मन की स्थिरता आपको प्राप्त हो जाएगी, मतलब शरीर और चित्त दोनों ही स्थिर हो जाएगा, हाँ स्थित रहती है शरीर हमारे में। वक्ष स्थल में, हृदय के पास, अच्छा वक्ष स्थल में, हृदय के पास कूर्म नाड़ी होती है। यदि आपने उस कूर्म नाड़ी में संयम किया तो आपको स्थिरता मिलेगी, वो आपकी कैसी होगी, चित्त और शरीर दोनों को स्थिर करने वाली हो। अब मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, आपको सिद्ध लोगों के दर्शन करना है। सिद्ध पुरुष कौन कौन से हैं, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया है, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, किसी सिद्ध पुरुष का नाम बताइए। पतंजलि पतंजलि जी, बहुत बढ़िया, और बताओ। स्वात्मा राम जी, स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद राजा स्वामी विवेकानंद जनक, जी, और बताओ। राजा हाँ जनक, राम हिमालय, गढ़ी महाशय, सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये जितने भी सिद्ध पुरुष के नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, कुछ ऋषि मुनियों के नाम आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन उन ऋषि मुनियों को भी याद करो जिन्होंने स्वयं पे विजय प्राप्त की, मतलब सर जितने जनक भी जी सिद्ध, है, वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी, जनक वशिष्ठ जी, जी, हाँ बहुत बढ़िया,
तो वाल्मीकि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं ठीक है, उनके यदि आपको दर्शन करने बोला जाए तो आप कहाँ पे संयम करोगे? मूर्धा की ज्योति में। मूर्धा कहाँ होती है? यहाँ पे ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है ना कपोल के पास, सिर का कपोल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे होता है एक ब्रह्मरंध्र। यदि आपने वहां पे संयम कर लिया, यहाँ बेसिकली यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है, आपने सहस्त्रार में संयम किया एक तरह का, कि जो प्रकाशमयी ज्योति है ना इस पे संयम करने से आपको सिद्धों के दर्शन मिलेंगे। वो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, अभी आपने परशुराम जयंती हो रही थी, वो पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आते जाते रहते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आते जाते रहते हैं ना, बोलते हैं परशुराम जी, उनको श्राप मिला है कि वो मतलब पृथ्वी में एक दिन ठहर नहीं सकते। तो ये सिद्धि यदि आपको चाहिए कि आप उन सिद्ध पुरुषों को देख सको अपनी आंख से, तो मूर्धा की ज्योति में संयम कर लो। मूर्धा की ज्योति मतलब कहाँ पे? ब्रह्मरंध्र में। ठीक है, अब मुझे लगता है आज के लिए इतना इनफ है। ब्रह्मरंध्र पीछे रहता है कि कपाल कपाल में रहता है सर? ये देखो पीछे यहाँ अपना चोटी चोटी ब्राह्मण लोग चोटी छोड़ते हैं। हाँ, जहाँ चोटी बांधते हैं ब्रह्मरंध्र वही होती। जी सर, आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत है। हाँ सर, 10 मिनट बचा नेक्स्ट क्लास के लिए, सर दे दीजिए टाइम। पूरा चलो विभूति पाठ पूरा हो गया सर आपके ऊपर। देखो, इन विभूतियों को ना बहुत सरल है, विभूति अभी तक समझ में आई ना कहानी क्या है विभूति याद करने की। हाँ सर लगता है साक्षात महर्षि पतंजलि जी ने आपको ज्ञान दे दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपको एकदम पूरा फुली नॉलेज है। देखो, ऐसी सिद्धियां मिलती हैं, लॉजिक लगाओ याद करो। इससे ऐसे ही प्रश्न आएगा बहुत सरल सरल, ठीक है? फिर और पढ़ेंगे विभूतियों के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, फिर आज की क्लास अब यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज तो काफी लोग चले गए, 17 लोग बचे हैं, बने रहेगा क्लास में आएंगे, अगली क्लास भी तो है अभी।